वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। नहीं कटेगा चालान, लेकिन 129 जो रूल है इसको अच्छी तरह से समझ लिए। अगर आप जो अभी 2019 में जो लेटेस्ट जजमेंट हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन हुआ है, आप तो देखते हो कि आए दिन अखबारों में, टेलीविज़न में, व्हाट्सएप पर ये चीज़ आ रही कि आज 41,000 घटा, आज 51,000 घटा, आज 1,00,000, ये सारी चीज़ें आप सुनते आ रहे हो। लेकिन आप सड़क पर वाहन चलाते समय अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, परमिट नहीं, तो आपका चालान काटा जा सकता है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आप गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस चलाते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस फोटोकॉपी होती है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, आप घर भूल जाते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आपके पास सारी चीज़ें होने के बाद भी पुलिस आपको चालान काटती है, तो आप उस चालान को भुगतिए नहीं, जमा न मत कराइए। अगर ये चीज़ें अनलीगल है तो आप उस चालान को कोर्ट में चैलेंज करिए, क्योंकि आजकल आए दिन ये देखते रहते हैं कि आज उसी 51,000 का चालान कटा, आज 1,00,000 का चालान, ये सारी चीज़ें आप सुनते आ रहे हो और सारे देखते आ रहे हो। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास कभी भी गाड़ी चलाते समय ये चीज़ें रखना चाहिए, हर व्यक्ति को ये चीज़ें रखनी चाहिए। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं और इसके बावजूद भी अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है, तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज करती है। इसके साथ साथ अगर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के रूल 149 में प्रावधान किया गया, स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगर आप किसी जगह जाते हो, आपके ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है, अगर आपके पास सारे दस्तावेज होते हुए भी पुलिस चालान काटती है, तो आप पुलिस को ये कह सकते हो कि रूल नंबर, अगर ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी पुलिस आपका चालान काटती है, तो मोटर व्हीकल जो एक्ट बनाए उसके तहत रूल नंबर 149 में प्रावधान दिया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। अगर पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता है, तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मोटर व्हीकल एक्ट 2019 सेक्शन 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष मामलों में भी इन दस्तावेजों को दिखाने का 7 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन आम व्यक्ति को ये सारी चीज़ें, ये कानून कायदे पता नहीं होने के कारण वो इस पुलिस के बहकावे में, पुलिस के चुंगल में फंस जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका पुलिस, ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है और आपके पास सारे दस्तावेज होने के बाद भी पुलिस आपके चालान काटती है, तो आप उस चालान को भरिए नहीं है, उस चालान को आप जमा मत कराए, कोर्ट में उस चालान को चैलेंज कीजिए। क्योंकि अगर आपके सारे दस्तावेज मौजूद हैं, तो आपको कोर्ट पूरे जुर्माना आपको माफ़ कर देगी, कोर्ट आपको राहत देगी। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि पुलिस के कहने पे आ जाते हैं और पुलिस जो कहता है वो कर दे, लेकिन दोस्तों मोटर व्हीकल, इसलिए दोस्तों जो 149 का जो रूल है, इसको आप अगर पुलिस ये कहे कि वो ऐसा कौन सी रूलिंग है आप दिखाओ, तो दोस्तों ये स्पष्ट लिखा गया है इस रूलिंग में 2018 ऑफ रूल 149 CVR 1979 प्रोडक्शन लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, इसमें स्पष्ट लिखा है अगर पुलिस नहीं माने, जिद करे पुलिस को, तो आप ये कानून उसे दिखा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी वाहन चलाते समय हर डॉक्यूमेंट आपके पास रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप खोने के डर के मारे, तो आप एक डिजिटल लॉकर, जो मैं दिखा रहा हूँ, डिजिटल लॉकर में ये सारी चीज़ें रख देनी चाहिए, जिससे आपको सुरक्षित रह सके। और उस डिजिटल लॉकर में जो चीज़ें, जो सर्टिफिकेट या लाइसेंस है, उसे ट्रैफिक पुलिस वालों को मानना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अगर कोई पुलिस वाला ये जिद करे कि आपके पास ऐसा कौन सा रूल है जिसके तहत हम 15 दिन का टाइम दे सकते हैं, दोस्तों आप इस रूल को बता दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसको लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके दिमाग में कन्फ्यूज है, तो आप कमेंट बॉक्स